सुप्रभात मित्रों, मैं इंजीनियर सक्षम गुरुकुली स्कूल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कुछ मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव हेतु प्रचार समाप्त हो गया है। अब इनके लिए कल 3 नवंबर को मतदान होगा। इसमें निर्दलीय सहित 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। निकिता हत्याकांड के विरोध में कल बुलाई गई महापंचायत में कुछ लोगों ने बवाल व दुकानों में तोड़फोड़ कर हाईवे जाम कर दिया, जिससे खुलवाने गए पुलिस बल के कर्मियों पर पत्थरबाजी में 10 कर्मी घायल हो गए। इसमें 30 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर में कल सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैफुल इस्लाम मीर को मार गिराया है। इसे डॉक्टर सैफुल्ला व गाजी हैदर भी कहते थे। इसके विरोध में कई जगह सुरक्षा बल से लोगों की मामूली झड़प भी हुई। इस मुठभेड़ में एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने आलू प्याज सब्जियों व दाल के दामों में हो रही वृद्धि को नियंत्रित करने व इसके जमाखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय ने कल कई ट्रेनें रोक दी। लोगों ने कई जगह पटरियां उखाड़ दी, जिसके बाद 7 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करना पड़ा। उत्तराखंड में सरकार की अनुमति के बावजूद अधिकतर प्रतिष्ठित स्कूलों ने आज से 10वीं तथा 12वीं के स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है। कोरोना की दूसरी वेव को देखते हुए फ्रांस व ऑस्ट्रिया के बाद ब्रिटेन ने भी 4 सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। अमेरिका के चुनावी रण में डोनाल्ड ट्रंप जो बिडेन से अभी तक पिछड़े नजर आ रहे हैं। कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है। पाकिस्तान में इमरान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थाई प्रांत का दर्जा दे दिया है, जिसके प्रांत के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कल बीएसई सेंसेक्स में 2.63 व निफ्टी में 2.41% की गिरावट देखी गई है। अगली खबर खेल जगत से है। आईपीएल में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 9 विकेट से हरा दिया है व कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 60 रन से हरा दिया है। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से है। कल के कुछ मुख्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए गुरुकुल ई स्कूल के साथ। धन्यवाद।